नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए ताप्ती अर्जुन। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों एवं परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल अभिनंदन सरोवर के पास शव मिलने के मामले में 24 घंटे के भीतर दो आरोपी हुए गिरफ्तार। बैतूल के अभिनंदन सरोवर के पास शुक्रवार की सुबह चुन्नीढाना निवासी 32 वर्षीय दिनेश खांडवे का शव मिलने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात विजय और आकाश नामक आरोपियों ने दिनेश के साथ शराब पीकर किसी बात पर झगड़ा हो जाने की वजह से पत्थर से सर कुचलकर दिनेश की हत्या कर दी। बैतूल भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव पर सिंधी समाज के द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा। बैतूल में कल सिंधी समाज के द्वारा झूलेलाल जन्मोत्सव के अंतर्गत धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। बैतूल बस में युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी युवक को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला बैतूल जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पाढ़र चौकी का है, जहां पर कल सुबह बस में यात्रा कर रही एक युवती के साथ साइड में बैठे युवक के द्वारा छेड़खानी किए जाने की जानकारी जैसे ही बस ड्राइवर को लगी, उसके द्वारा कोतवाली थाने में उक्त आरोपी को पकड़कर लाया गया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार भोपाल से बैतूल आ रही बस में युवती के द्वारा भी यात्रा की जा रही थी। इसी दौरान साइड में बैठे युवक के द्वारा अभद्र व्यवहार एवं छेड़खानी उक्त युवती के साथ की गई। इसकी शिकायत युवती के द्वारा भी थाने में की गई है। उक्त मामले में शिकायत प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई अब कोतवाली थाना पुलिस के द्वारा की जा रही है। बैतूल चक्कर रोड के सागुन वन में लगी आग, फायर ब्रिगेड एवं 100 डायल पुलिस मौके पर पहुंची। बैतूल जिला मुख्यालय से सटे चक्कर रोड इलाके में सागुन के वनों में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से आसपास का पूरा इलाका धुआंमय हो गया। आपको बता दें कि जैसे ही इसकी जानकारी डायल 100 एवं फायर ब्रिगेड की टीम को लगी, दोनों ने आग बुझाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फायर ब्रिगेड में पानी खत्म हो जाने के कारण आग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका। बताया जा रहा है कि किसी शरारती तत्व के द्वारा इस जंगल में आग लगा दी गई, इसकी वजह से आसपास का पूरा इलाका धुआंमय हो गया। बैतूल आठनेर के अंतर्गत आने वाले सालबर्डी में बैतूल पुलिस के शुद्धिकरण अभियान के बाद भी खेला जा रहा है खुलेआम जुआ। बैतूल जिले के अंतर्गत आने वाले आठनेर के सालबर्डी में इन दिनों लाखों करोड़ों रुपए तक का जुआ खुलेआम खेला जा रहा है। आपको बता दें कि बैतूल पुलिस अधीक्षक सुश्री सीमाला प्रसाद के द्वारा इस तरह जुआ खेलने पर सख्त रवैया अपनाया गया है, जिसे बैतूल जिले के सभी स्थानों में खुलेआम जुआ खेले जाने वाला खेल अब खत्म हो गया है। परंतु अभी भी आठनेर के सालवर्डी में इस तरह का खुलेआम जुआ खेला जा रहा है। बैतूल बडोरा में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा लोगों को तिलक लगाकर हिंदू नववर्ष एवं चैत्र नवरात्रि की दी गई शुभकामनाएं। बैतूल जनपद क्षेत्र के बडोरा में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा कल लोगों को रोककर तिलक लगाया गया। इस दौरान हिंदू नववर्ष की बधाइयां दी गई, साथ ही चैत्र नवरात्रि को लेकर लोगों से आग्रह किया गया कि घर में भगवा झंडा लगाते हुए घरों में दीपक जलाएं। प्रभातपट्टन, बिश्नूर में ट्रक और बाइक की टक्कर में 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत। मामला प्रभातपट्टन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिश्नूर का है, जहां पर मुर्गियों से भरे ट्रक और एक बाइक सवार में टक्कर हो गई। इस दौरान एनखेड़ा खापा निवासी 50 वर्षीय शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। इसका नाम आनंद राव बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मासूर से आठनेर की ओर मुर्गियों से भरा ट्रक जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से दोपहिया वाहन में एक बाइक सवार आ रहा था, जो कि बस को ओवरटेक करते हुए मुर्गियों से भरे इस ट्रक में जा घुसा।
जिसके बाद 50 वर्षीय शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक अनियंत्रित होकर रोड से नीचे उतर गया और पलट गया। मुलताई चौथिया गांव के पास दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर में 3 लोग हुए घायल। मुलताई के प्रभातपट्टन मार्ग पर चौथिया गांव के पास दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद सभी घायलों को मुलताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया, जहां से 2 लोगों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें बैतूल के जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस को भी इस मामले की सूचना दे दी गई। मुलताई ग्राम परमंडल निवासी युवक कीटनाशक की बोतल खोलते समय कीटनाशक के मुंह में जाने से हुआ बेहोश, परिजन लेकर पहुंचे मुलताई अस्पताल। मुलताई के परमंडल में एक युवक को एक छोटी सी लापरवाही बहुत ही भारी पड़ गई। लापरवाही ने उसे अस्पताल तक पहुंचा दिया, यहां तक कि उसकी जान पर भी बनाई। बताया जा रहा है कि परमंडल निवासी दिनेश पिता गणपति पवार उम्र 35 वर्ष कीटनाशक की बोतल खोल रहा था। लाख कोशिश करने के बाद भी जब बोतल का ढक्कन नहीं खुला तो उसने अपने मुंह से बोतल का ढक्कन खोला। इसी दौरान कीटनाशक उसके पेट में चला गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों के द्वारा उसे मुलताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। इसके बाद गंभीर हालत होने के चलते उसे बैतूल चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया। मुलताई मशीनों द्वारा लगाया जा रहा है चूना। प्राइवेट संस्था ने लगाई ठंडे पानी की मशीनें, सिक्के डालने पर भी नहीं मिलता है पानी। मुलताई में नगर पालिका के द्वारा जगह जगह लोगों को ठंडा पानी पिलाने के लिए प्राइवेट संस्था को ठेका दिया गया था। इस संस्था के द्वारा नगर में जगह जगह ठंडे पानी की मशीनें भी लगाई गई, जिसमें सिक्के डालने पर कीमत के हिसाब से पानी मिलता है। लगभग 8 महीने पहले लगाई गई इन मशीनों ने लोगों को अब पानी देने की बजाय चूना लगाना शुरू कर दिया है। मशीनों में लोगों के द्वारा सिक्का डाला जा रहा है, लेकिन मशीनें पानी नहीं दे रही है। बस स्टैंड सहित अन्य स्थानों पर लगाई गई मशीनें अब खराब स्थिति में हैं। लोगों के द्वारा नगर पालिका में इसकी शिकायत भी की गई है। मुलताई भागवत कथा का आयोजन। बघोड़ा में हरिद्वार के भगवत आचार्य करेंगे कथा वाचन। ग्रामीणों ने कलश यात्रा निकाल कर की कथा की शुरुआत। मुलताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बघोड़ा में भागवत कथा प्रारंभ हो गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आज रविवार को विशाल कलश यात्रा निकाली। इस दौरान गौ पूजन करते हुए गांव के मंदिरों में पूजा अर्चना की गई एवं भागवत कथा की शुरुआत की गई। हरिद्वार से आए भागवत आचार्य रूपलाल महाराज भागवत कथा का वाचन करेंगे। मुलताई गोधनी गांव में महिला के निधन के बाद बेटी ने ससुराल से आकर किया मां का अंतिम संस्कार। मुलताई विधानसभा क्षेत्र के प्रभातपट्टन के गोधनी गांव में शनिवार को आशा उम्र 45 वर्ष नामक महिला का बीमारी के चलते निधन हो गया, जिसके बाद उनकी इकलौती बेटी प्रीति ने ससुराल से आकर मां का अंतिम संस्कार किया। प्राप्त खबरों के अनुसार महिला के पति की 2 साल पहले मौत हो गई थी, बेटी की 1 महीने पहले ही शादी हुई है। आमला बोड़खी क्षेत्र में शराब की नई दुकान खोले जाने पर स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। आमला स्थित बोड़खी के वार्ड क्रमांक 17 में शराब की नई दुकान खुलने पर स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर मौजूद प्राचीन दुर्गा मंदिर में धार्मिक आयोजन होते हैं। शराब की दुकान खुलने से यहां पर शराबियों का जमावड़ा लगा रहेगा और आए दिन झगड़े फसाद होंगे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी। वहीं लोगों के द्वारा नई शराब दुकान खोले जाने का जमकर विरोध किया गया। घोड़ाडोंगरी पाताखेड़ा क्षेत्र में बैतूल पुलिस ने आईपीएल सट्टा चलाने वाले संदिग्धों को लिया हिरासत में। घोड़ाडोंगरी तहसील के पाताखेड़ा क्षेत्र में शनिवार को बैतूल पुलिस ने आईपीएल सट्टा चलाने वाले संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बैतूल पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार शुद्धि अभियान 2.0 के अंतर्गत पाताखेड़ा क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान आईपीएल सट्टा चलाने वाले संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। सारनी थाने में त्योहारों के अंतर्गत शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन। सारनी थाने में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन
शनिवार को किया गया, जहां घोड़ोंगरी तहसीलदार अशोक कुमार डहरिया और थाना प्रभारी रत्नाकर हिंगवे सहित SDOP महेंद्र सिंह मीणा ने शांति समिति की बैठक ली। आगामी रामनवमी एवं रमजान को लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी। यहां त्योहारों को शांतिपूर्वक ढंग से मनाने को लेकर विभिन्न समुदाय के लोगों से चर्चा की गई। सारनी MP PGCL नर्सरी में निकला कोबरा सर्प, सर्प मित्र ने किया रेस्क्यू। सारनी के MP PGCL की नर्सरी में शनिवार को एक कोबरा सांप निकल आया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। नर्सरी वालों ने इसकी सूचना सर्प मित्र आदिल खान को दी, जहां सूचना मिलने पर आदिल खान मौके पर पहुंचे और सांप का सुरक्षित रूप से रेस्क्यू करते हुए उसे जंगल में छोड़ दिया। भैंसदेही से कुकरू खामला रोड में हुए बड़े बड़े गड्ढे, रोजाना हो रहे हैं हादसे, ठेकेदार की बड़ी लापरवाही उजागर। भैंसदेही से कुकरू खामला तक रोड बनाने वाली कंपनी के द्वारा रोड निर्माण कार्य में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। इसको लेकर रोड में अभी से ही बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं और इन्हीं गड्ढों के कारण गंभीर हादसे भी हो रहे हैं। संबंधित विभाग को इसकी सुध लेने की आवश्यकता है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते ठेकेदार अपनी मनमर्जी से यहां पर रोड निर्माण कार्य में लापरवाही बरत रहा है। चिचोली NH 59A पर अज्ञात वाहन की टक्कर से दोपहिया वाहन सवार की हुई मौत। चिचोली तहसील क्षेत्र में जोगली गांव के पास शनिवार की रात को NH 59A पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से दोपहिया वाहन सवार श्री राम कुमरे उम्र 32 वर्ष नामक युवक की मौत हो गई। प्राप्त खबरों के अनुसार पुलिस ने रविवार को शव का पोस्टमार्टम करवाते हुए परिजनों को शव सौंप दिया। फिलहाल टक्कर मारने वाले वाहन के बारे में कोई भी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। चिचोली बाइक ने खड़ी कार को मारी टक्कर, दोनों चालकों में हुआ जमकर विवाद। चिचोली के टंकी मार्ग पर रविवार को एक बाइक सवार शख्स ने खड़ी कार को टक्कर मार दी। प्राप्त खबरों के अनुसार बाइक की टक्कर से कार का इंडिकेटर टूट गया, जिसे लेकर कार एवं बाइक चालकों के बीच जमकर विवाद हुआ। वहीं इस घटना के बाद विवाद को बढ़ता देखकर लोगों की भीड़ लग गई। आठनेर ग्राम हिवरा में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीणों को जन जागरूक करने का चलाया गया अभियान। आठनेर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम हिवरा में 2 अप्रैल को जिला अधिकारियों के द्वारा ग्रामीण स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसकी जानकारी देते हुए जनपद CO श्री राजौरिया ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी भी इस दौरान पहुंचे थे। अधिकारियों के द्वारा इस दौरान बच्चों से भी बातचीत की गई। ग्राम को पॉलीथीन मुक्त बनाने का संदेश भी दिया गया एवं लोगों को स्वच्छता रखने के लिए जन जागरूक किया गया। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।